सो जय श्री राम मेरे दोस्तों, मेरा नाम है जय और करेंटली आई एम वर्किंग एज अ फुल स्टैक डेवलपर। थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम आई आई टी जोधपुर। यार मैं 2023 ग्रेजुएट हूँ आई आई टी जोधपुर से, और आई आई टी जोधपुर में लास्ट में प्लेसमेंट्स के टाइम पे एक कंपनी आई टी एच डी एफ सी बैंक, वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट बैंक एंड वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट बैंक अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यार इस कंपनी के आज हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बातचीत कर लेंगे, कैसा मेरा एक्सपीरियंस था, किस किस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे फॉर द रोल ऑफ फुल स्टैक डेवलपर। तो यार ये बेसिकली हमारे कॉलेज में कंपनी आई थी फॉर टू रोल्स, फर्स्ट वन इज़ द फुल स्टैक डेवलपर, सेकेंड वन इज़ द एनालिस्ट, BTG एनालिस्ट। तो आई अप्लाइड फॉर द रोल ऑफ फुल स्टैक डेवलपर। तो यार इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली यार फर्स्ट ऑफ ऑल इनके कितने राउंड्स थे, कितने राउंड्स हुए थे हमारे कॉलेज में आके। तो यार जैसे क्या कहते हैं, जब ये कंपनी आई तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टली आप जो है अपने रेज्यूमेज वगैरह डायरेक्टली आप अपने जो है अपनी जो पूरी डिटेल्स हैं वो हमारे इस फॉर्म पे सबमिट कर दो या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके सबमिट कर दो, अप्लाई कर दो एंड देन विल हैव द राउंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्टली कुछ OA वगैरह ना कंडक्ट करा के से बेसिकली दे जस्ट शॉर्टलिस्टेड द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेज्यूमेज। तो यार रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हुई थी एंड अराउंड 100 स्टूडेंट्स में से उन्होंने 50 के आसपास, आई थिंक 40 से 50 स्टूडेंट्स जो है इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिए गए थे अकॉर्डिंग टू देयर रेज्यूमेज। तो यार अब रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के बाद वी हैव अ कॉल ऑफ डायरेक्ट इंटरव्यू। तो यार हमें कॉल आया या फिर हमें एक मेल आ गया था कि इन स्टूडेंट्स का डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है अमंग दीज 30-40 स्टूडेंट्स। तो यार ठीक है, सो ये जो राउंड होने वाला है इसमें बेसिकली देयर विल बी अ सीनियर SD, एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा एंड उसके साथ में जो है एक HR होगी। तो मतलब ये दिस इज़ अ मिक्स ऑफ टेक्निकल राउंड प्लस HR राउंड, तो इसी राउंड के बेस पे आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। सो या ठीक है, इसके बाद जो है इस राउंड में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें अपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, एक फुल इन डेप्थ डिस्कशन हुआ कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं और क्यों बनाए हैं एंड क्या कहते हैं क्या क्या फीचर्स इसमें आपने इम्प्लीमेंट किए हैं और वो कैसे किए हैं। तो कुछ टाइम तो है इसके ऊपर डिस्कशन हुआ कि आपके जो है प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या क्या किया आपने, और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उसके बाद जो है उन्होंने DSA क्वेश्चन मुझे पूछना स्टार्ट किया एंड DSA में बेसिकली दे आस्क क्वेश्चंस लाइक हैश मैप्स का कॉन्सेप्ट, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट और मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं कि रिवर्स लिंक लिस्ट एंड ऑल। इसके अलावा जो है किस किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए, इसके अलावा यार उन्होंने जो है DSA में कुछ क्वेश्चंस होते हैं सॉर्टिंग के, जैसे कि मर्ज सॉर्ट हो गया, बबल सॉर्ट हो गया, तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट वो केस के साथ थिंकिंग जो होती है ना कि जैसे कि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरे दे रखा है, तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, इसका वर्स्ट केस किस केस में बनेगा, तो यू हैव टू टेल कि कौन सा एरे जो है वो बन के आएगा। इसके बाद क्या हुआ यार, इसके बाद दे आस्क क्वेश्चंस लाइक पजल्स जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के पूछे गए, मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे गए, जैसे कि एक रेक्टेंगल है उसको कितनी बार फोल्ड करेंगे तब इतना जो है मिनिमम नंबर ऑफ फोल्ड्स कैसे आएंगे, और इसके अलावा किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा यार बीच बीच में जैसे कि मैं बताऊँ कि जो HR है वो भी क्वेश्चन कर रही थी जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर रोल, सो दिस इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो HR भी बीच में कर रही थी। इसके अलावा जो है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, इसके अलावा यार नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो उन्होंने थोड़ा सा जेनरिक क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि ग्राफ का जो है वो रियल इम्प्लीमेंटेशन बताओ, ग्राफ का रियल इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डन लाइक जो हमारा उबर है, ओला है, गूगल मैप्स है, उन सब में जब शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं वो सब ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए एंड फाइनली जो है उन्होंने क्वेश्चंस पूछे गए और जनरल, जैसे कि VR के बारे में क्या है और मेटावर्स क्या चीज़ होती है। तो यार कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चन, जेनरिक क्वेश्चन जो होते हैं जो कि आजकल चल रहे हैं इन द मार्केट ट्रेंड में, उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए और बीच में और फाइनल में जो है कुछ HR के क्वेश्चंस, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर रोल एंड वाई डू यू थिंक यू वॉन्ट टू ज्वाइन HDFC बैंक एंड कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो है बीच बीच में लास्ट में पूछे गए। सो यार दिस वॉज माई होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट HDFC बैंक एंड ओवरऑल इट वॉज फाइन। और इसके बाद जो है, इसके बाद आई गॉट अ मेल दैट आई वॉज सेलेक्टेड इन द कंपनी। सो यार ये मेरा ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी ऑफ HDFC बैंक। सो यार दिस वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ लर्निंग मिला हो, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।